gratitude to our master, Dr. Hanuman sir, Dr. M.L. Sehgal sir, to continue our journey in homeopathy. So today I will narrate one small case, and please try to analyze and come to the remedy. This is a case of a 75-year-old lady. She was suffering from diabetes and hypertension. For that she was on various kind of medicine. This time she came to me for trigeminal neuralgia. तो उनका जो पेन है वो टिपिकल टेम्पोरल रीजन से स्टार्ट होके मैंडिबल में जाता था, लोअर पार्ट मेन पार्ट ऑफ द फेस एज वेल एज इवन टू द ऑर्बिटल रीजन, एंड सी वॉज सफरिंग फॉर दिस सिंस लास्ट 2 to 3 weeks. सी वॉज ऑन वेरियस काइंड ऑफ पेन किलर एंड अदर मल्टी विटामिन बट नॉट गेटिंग एनी रिलीफ. जब भी वो मेरे पास आई तो वो अपना हाथ जो है हाथ से फेस एकदम दबा के बैठी थी, जोर से प्रेस करके बैठी थी और लिटरली वो रो रही थी. सी वॉज क्राइंग विद द पेन और एक ही बात वो बार बार दोहरा रही थी कि दर्द के मारे मेरा पूरा चेहरा खराब हो जाएगा, दर्द के मारे मेरा पूरा चेहरा खराब हो जाएगा. और उनकी ये कंडीशन देख के फिर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन मैंने पूछे नहीं, बस इतना ही शॉर्ट केस है. प्लीज ट्राई टू एनालाइज. थैंक यू. हेलो, इफ यू आर न्यू टू माइंड मेथड, इफ यू हैव ट्रबल चूजिंग फ्रूट ड्रिंक्स, इफ यू हैव ट्रबल टू डिफरेंशिएट विद सिमिलर रेमेडीज, इफ यू हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग फ्रूट ड्रिंक्स और मेंटालिटी ऑफ द पेशेंट, if you want to start your homeopathy practice along with allopathy practice, we have the solution. Join HSS basic course. Register HSH basic advanced course. For this you have to contact Dr. Ashok Awadhia. Phone number is 9893805528. Thank you. So सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने लिया था वो था वीपिंग विद द पेन. सो इट वॉज वेरी एविडेंट कि वो कंटिन्यूस रो रही थी पेन दर्द के मारे, तो दैट वॉज अ वीपिंग विद द पेन. द सेकेंड रूब्रिक वॉज वीपिंग विद द पेन इन द फेस, मतलब फेस के पेन के वजह से वो लेडी रो रही थी. और एट द एज ऑफ 75 years अभी भी उनको फेस की फिक्र थी. अब तो दैट इज़ अ रूब्रिक लुक्स अपियरेंस कंसर्न अबाउट, मतलब ये उम्र में भी उनको अपने लुक की पड़ी थी कि चेहरा मेरा पूरा ख़राब हो जाएगा, ये उनको फिक्र थी. दर्द से ज़्यादा फिक्र उनको चेहरा ख़राब होने की फिक्र थी. द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूब्रिक वॉज फियर ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ द फेस, दैट वॉज अ मेन रूब्रिक हियर. डिस्टोर्शन मीन्स देर इज़ अ कम्प्लीट चेंज इन द शेप ऑफ द थिंग, that is a distortion. So fear of distortion of the face, and the medicine given was platina. And if we see the retrospective rubrics, then there are some beautiful rubrics. If you see on the face chapter, face pain nous trigeminal neuralgia, then face pain neuralgic. And if we study Boric Materia Medica, then it is mentioned in the chapter of platina, face prosopalgia with numb feeling in the molar bones and as if the parts were between the screws. So thank you very much.